बट बैक की मोबिलिटी बहुत कम। वेलकम दोस्तों, आज मेरे साथ अमन है, 39 ईयर्स का है, बहुत ही फिट लड़का है, लेकिन एक साल पहले इसकी इंजरी हुई। इसको एक साल पहले जिम में इंजरी हुई, जिसकी वजह से इसको 2 महीने तक घर पे बैठना पड़ा। इसकी जो स्लिप डिस्क हुई वो L5S1 पे हुई, सबसे निचले लेवल पे, जिसकी वजह से टांग में नमनेस और दूसरी चीज़ें दिक्कतें होने लगी। वो ये अभी तक एक्सरसाइज रिज्यूम नहीं कर पाया है। जैसे मछलियाँ तैरती है ना, वैसे इसकी पूरी डिस्क निकल के उस समुद्र के अंदर, कैनाल के अंदर तैर रही है, जो इसको बहुत हैवी शोल्डर वेट मार रहा था। ये जो जैसे 100 किलो इधर 100 किलो इधर, उसके बाद ये इंजरी हुई। जब ये 2 महीने घर पे बेड रेस्ट पे रहा, आज हमारे पास 5 महीने बाद 6 महीने बाद ट्रीटमेंट के लिए आया है। इसका 90% या 80% प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक। बट जो भी हमने असेसमेंट किया है, जो हमने ट्रीटमेंट किया है, इसके जो अभी जो मेजर प्रॉब्लम है वो लोअर बैक इसको सपोर्ट नहीं कर पाती मसल्स, और इसके जो लेफ्ट काफ मसल है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही। हम उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहली वीडियो है तो आप लोग देखिएगा, और 4-5 दिन बाद एक और वीडियो बना के इसका अपडेट आप लोगों को देंगे, और ये भी देख सकता है ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। राइट, ले लेंगे। छोड़ेंगे अच्छा, सॉरी। ये तो खुलने के लिए रेडी है, बट बैक की मोबिलिटी बहुत कम है, 0 मोबिलिटी है। सीधा ले लेंगे इसको, नेक में भी पेन रहता है। इजी ओ ओ ओ इसके फॉर इजी ओ इजी चो ओ चो ओ। कैसा लगा? अभी होश आ रहा है, अभी होश आ रहा है। और इसकी हाइट भी 6'3" है, तो जनरल जितनी लोगों की टाइटनेस स्टिफनेस होती है उससे तो ज्यादा ही है। बट अच्छा बैठेंगे, और ये हाई आर्च है, और ये सारा वेट राइट पांव पे डालता है। प्रॉब्लम इसकी लेफ्ट में है, तो मैंने इसको इंसोल और CBD एडवाइस किया है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में ये पूरा ठीक हो जाएगा। आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप भी दिल्ली NCR से हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यस। सुधेगा? मैं तो वॉइस ओवर दे सकता ना। वॉइस ओवर दे देना, मेरा ओवर दे देना।